इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली एक ठीक ठाक ऐसे की फेंटी जो वेल डिजर्व थी वो लगाई, और बहुत खुशी हुई हिंदुस्तान को देख के कि हिंदुस्तान वेल डिजर्व टीम है जिसके पास बैटिंग पूरी है, रोहित शर्मा जिसके पास हो, मैं कब से कह रहा हूँ रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन है ही कोई नहीं। कि बुमराह वो बॉलर है जिसने T20 वर्ल्ड कप इंडिया को विन करवाया अपनी बॉलिंग के थ्रू, टोटली डोमिनेट किया है भारत के बॉलर्स ने। कि हमारी जो टीम है वो अपने होम ग्राउंड में भी उस तरह परफॉर्म नहीं करती जिस तरह इंडिया करती है, हमेशा डोमिनेटिंग रहते हैं इंडिया वाले। अक्सर लोगों ने ये भी कह दिया जी घर के शेर है, लेकिन चलो घर के शेर तो है, हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारे अपने होम ग्राउंड भी होते हैं उसमें भी हम वीक पड़ जाते हैं। भारत को घर में हराना एक तरह से नामुमकिन सा टास्क हो गया है, और जहां भी हल्के फुल्के चोट लगते हैं भारत को उसके बाद ये टीम संभलती है और सीखती है और जल्दी से ट्रैक पे आ जाते हैं। के बारे में अगर ये कहते हैं घर के शेर, तो वो घर के शेर नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जितना ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम इंडिया देता है ऐसा कोई दूसरी टीम नहीं देती। लेकिन आज जो मैसेज दिया है टीम इंडिया ने शायद हमारी क्रिकेट टीम को कि भैया इन्हें सर पर नहीं चढ़ाना था, ये क्रिकेटर्स हैं, अच्छे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन ये इतने बड़े क्रिकेटर्स नहीं है कि ये हमें चौंका दें। वो बांग्लादेश जिसने हमारी एसी की तैसी करके रख दी थी, उस बांग्लादेश को इंडिया के धूल चटा के रख दिया भाई। इंडिया ने पकड़ के बजा दिया है जब बांग्लादेश को, और पूरे का पूरा पाकिस्तान इस समय तपा हुआ है कि यार ये बांग्लादेश हमें क्या करके गई है और इंडिया ने इस बांग्लादेश के साथ क्या किया है। पाकिस्तान के आप जितने भी एक्स-क्रिकेटर हैं, वसीम अकरम, रमीज राजा, राशिद लतीफ, इवन के शुएब अख्तर ने तो पकड़ के बजा दिया इस घंटे के जिम्बू को। तो ये अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला नहीं है, ये इंडिया वर्सेस टाइम का मुकाबला है। इंडिया ने टाइम को डिफीट कर दिया और अब इंडिया टफेस्ट टीम है, नंबर वन दुनिया की टीम है, हर फॉर्मेट में वो अपने आप को अप्लाई करते हैं, नई चीज करने की कोशिश करते हैं। कैप्टनसी उनकी सेम वही है। हम 3 साल से अपने मुल्क में कोई एक टेस्ट मैच नहीं जीते, 3 साल से। इंडिया 17 सीरीज से अपने मुल्क में नाकाबले शिकस्त है, वो मुसलसल 17 सीरीज अपने मुल्क में जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया का 10 सीरीज का कभी रिकॉर्ड हुआ करता था। आती है कि जो जबरदस्त टीमें आप देखते हैं वो जब इस तरह की पोजीशन पे आ जाती है उसके बाद वो रूथलेस हो जाती है, उसके बाद वो यू नो ऑपोजिशन को वहां से निकलने नहीं देती। क्रिकेट टीम इंडिया ने खेली है, जो जो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट टीम इंडिया ने खेली है। और मतलब ये बांग्लादेश हमें 565 मार रही है घर में। पैथेटिक किस्म की, थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट खेली गई बांग्लादेश की तरफ से। पॉजिटिव क्रिकेट खेल कहीं से भी मुझे नजर नहीं आई। वो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये बस डेड बैट से खेलना चाह रहे हैं, 2 दिन का मैच है, आराम से हम टेस्ट मैच ड्रॉ कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के ट्रैक उनकी तरह तो नहीं है, वो यहाँ आके हम पे अटैक कर रहे हैं और हम जो है वो बेबसों की तरह बैठे हैं, हमारे खिलाफ एक दिन में 500 रन बन रहे हैं क्योंकि हमारी बुजदिलाना अप्रोच। जिसको डे 3 के इख्तिताम पे कहा जा रहा था तो डलनेस का शिकार हो चुका है क्योंकि 2.5 दिन जाया हो चुके हैं। टेस्ट मैच में कैसे रिजल्ट पॉसिबल होगा, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी रिलेंटलेस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कप्तानी के थ्रू ये पॉसिबल करके दिखा दिया कि भाई साहब इस तरह टेस्ट मैच 2.5 दिन छोड़िए, 2.5 दिन जाया होने के बाद अगर 2 दिन आपके पास बचे तो हम 1.5 दिन में भी जीत सकते हैं। शर्मा ने मिसाल ये कायम करी कि भैया लड़के आपके पास अगर पूरे होंगे ना इस फॉर्मेट के तो उनको मैं गालियां देके चला लूंगा। गालियां देके अपने लड़कों से परफॉर्मेंस लिए, उसने कोई ड्रामे बाजी, उसने कोई टीआरपी नहीं ली, सोचना भी मना है, वी स्टैंड विद, मतलब ये कोई ड्रामे बाजी नहीं, सिंपल क्रिकेटिंग नॉलेज। जब मुल्क की बात आती है, तेरा घंटा बजता जिम्बू, तेरा घंटा बजता तब शुएब अख्तर ने बड़ी जबरदस्त बात की है। शुएब अख्तर ने बोला कि टीम इंडिया का हर एक प्लेयर इसी वजह से खेलता है कि इंडिया जीते, और पाकिस्तान का हर एक प्लेयर इसी वजह से खेलता है कि हम टीम में पके रहें, किसी तरह हमारा जुगाड़ सेट रहे, हमें कोई हिला ना सके। ये कह रहा था कि यार ये कुछ ज्यादा ही जो है, मुझे लग रहा था कि बांग्लादेश को चढ़ाया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस अगेंस्ट पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान इस पर जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, आई वाज नॉट सरप्राइज, इट वाज नॉट अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि दैट दे लॉस्ट द सीरीज। लेकिन जो बांग्लादेश के जो है इश्यूज वो आज इंडिया ने बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किए। भारत का जो एक्सपीरियंस है, भारत के जो यू नो 2 मेन पिलर्स नीचे आके जिनको भारत बड़े अरसे से भारत का जो है ना पूरा बोझ संभालते हैं, इंडिया के बॉलर्स ने बांग्लादेश को दिगनी का नाच नचा दिया, अगर ये कहा जाए ना कुछ कम नहीं हो। अच्छा आप जीत का जिनसे कह था ये भी पता था इंडिया को कि भैया वो तो किसी से भी हार रहे हैं, वो नेपाल से भी लड़ रहे हैं, वो तो स्कॉटलैंड से भी लड़ रहे हैं, वो आयरलैंड से हार जाते हैं, वो जिम्बाब्वे से शिकस्त का मुंह देख लेते हैं, वो अमेरिका में एरन जोस ठोक ठाक के उनके फेलपाल के साइड में कर देता है, तो वो तो आदी हो चुके हैं हारने के, क्योंकि वहां भाई खेलते हैं, वो भाइयों को मार के आ रहा था बांग्लादेश, बांग्लादेश कोई टीम को थोड़ी मार के आ रहा था, वो तो 11 भाइयों को मार के आ रहा था जो वर्ल्ड कप में गए थे इंडिया खेलने के लिए। तो उनको मारकर आने के बाद यकीनन कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो संटू के हाथ में भी थे, संटू भी नया कप्तान था, ट्रॉफी के साथ सोता हुआ भी गया वो, और फिर उसको उठाया किसी ने इंडिया में जाके, भैया यहाँ नहीं सोना है तुमने, क्योंकि यहाँ तो सुला देते हैं क्रिकेट को भी अगर जडेजा, बाकी सिराज, आकाश वगैरह दे आर गुड टू, लेकिन लुक एट द बॉलर्स, बुमराह वर्ल्ड्स नंबर वन बॉलर, अश्विन और जडेजा दुनिया की सबसे बेहतरीन जोड़ी, तो उनके सामने वैसे ही आप नहीं टिक पाते, और जब आपको पता हो कि आप बिल्कुल दीवार के साथ इंडिया की बैटिंग ने आपको लगा दिया तो फिर तो कोई चांस था भी नहीं।
कोई चांस था भी नहीं, और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। कल आपसे बोला था कि इंडिया जिस पोजीशन में है, जिस तरह की बैटिंग की है, तो अब इतना इमेंस प्रेशर डाल दिया है, इतना इमेंस प्रेशर बांग्लादेश पे कि उनके होशो हवास उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है भारत की शानदार जीत को देखते हुए। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट में वो कर दिया जिससे उससे उम्मीद की जा रही थी, और खेल जगत में आखिरी दिन दूसरे पारी में मेहमान टीम को 9 विकेट गिराकर मैच लगभग अपनी मुट्ठी में कर लिया था। वहीं जीत के लिए भारतीय टीम के सामने 95 रनों का लक्ष्य बांग्लादेश ने रखा था, जिसे भारतीय टीम ने बहुत ही सस्ते में जीत लिया। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि चौथे दिन के स्कोर में 26 रन पर 2 विकेट से आगे खेलते हुए पूरी टीम पांचवें दिन के पहले सेशन में 146 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। दोस्तों आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक बॉलिंग करी, जिसकी वजह से और अश्विन और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट झटके। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया भी काफ़ी सदमे में नजर आ रहा है। वहीं पाकिस्तान मीडिया अपने बॉलरों को कोसता नजर आ रहा है और बोल रहा है कि शाहीन बेटा देख ले किस प्रकार से भारतीय गेंदबाज बॉलिंग करते हैं, तुम भी उनसे कोचिंग कर लो। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।